एक मिनट रुक जाओ, मैं चल जाओ। थैंक यू। सर यहाँ पे सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट में वन लुक। सर यहाँ सेंटर में सर एक मिनट है। सर वेट सर एक ग्रुप में दादा पीछे आओ ना। सर एक्सक्यूज मी सर एक साथ राइट कौन है बहुत आज बस थोड़ा पीछे आ जा। पीछे है अरे आप पीछे मालूम ज्यादा आगे मत जाओ। आलिया मैम रुकिए वहीं पे। आलिया मैम यहां मैम बेटा मैम यहां पे मैम यहां पे। आलिया थैंक यू मैम। मैम यहां पे एक बार सर यहाँ पे सेंटर में सर लेफ्ट सर राइट सर इधर सर यहाँ पे सर सेंटर सर सेंटर सर यहाँ थैंक यू ओके बाय थैंक यू कैसे भाई इधर समोर बघा ना Gully boy, but the one liner of yours, the presence of yours.
आपने अभी देखी? ओके, तो ये जेन्युइन रिएक्शन है। हाउ यू रिएक्ट? अरे अच्छी लगी आपको? आलिया, हाउ हैप्पी यू आर? I don't know right now what's happening. This is the first time I think I'm standing after a press screening. I've never seen it. So to hear it from you guys first hand is a different experience. I'm like, I'm really hoping, yeah, fingers crossed. What trust me, you know, even the I'm repeating myself. The title is Gully Boy, but it's more of Alia. It's true. Yeah. Gully girl, it's a kuch nahi hai. But thank you. That's really sweet, and I'm very happy. I'm very, very happy. Thank you so much. Thank you, Alia. Take a photo. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, ये मेरी जीवन की बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत करेक्ट टाइम पे आई है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे जोया अख्तर ने और काम करने में बहुत मज़ा आया। मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं भी देखने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि काम बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई रियली होप सो एंड आई रियली विश सो, लेकिन अब आप लोगों का प्यार रहेगा तो शायद टर्निंग पॉइंट हो जाएगी। जब जब आपकी किरदार आता है अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल था विजय, मतलब हाँ। और लोगों ने नोटिस भी किया। अब देखिए थिएटर में आप जब जाएंगे क्या करना चाहेंगे? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे पता था कि इस किरदार का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो फिल्म का हीरो है, उसकी लाइफ में बहुत डायरेक्ट इफेक्ट है, अच्छा और बुरा दोनों। और वैसे रोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पर आप ग्रे में खेल रहे हो, मतलब आप किसी को, लोगों को पता नहीं चले कि ये यहाँ है या वहाँ है, ये कहाँ है, उस तरह की एम्बिग्यूटी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है एज एन एक्टर। और इस स्क्रिप्ट में ऐसा एक रोल मुझे मिल गया, ये बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। क्या मानते हैं इतने सालों का जो संघर्ष रहा वो कामयाब कामयाब हो हुआ और हो रहा है? इनफैक्ट जो भी काम मैंने किया है मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरा काम ज़ाया गया है, छोटी बड़ा सब कुछ सब तरह का। मुझे लगता है कि एक एक स्टेप आगे लेना पड़ता है। जैसे जब मैं जोया मैम से मिलने गया था इस फिल्म के मीटिंग के लिए, तो मॉनसून शूट आउट का ट्रेलर दिखाया मैंने जाके उनको, तो अगर मॉनसून शूट आउट नहीं की होती तो शायद ये नहीं था, उसके पहले वो नहीं की होती तो शायद वो नहीं था। तो क्योंकि हम लोग बाहर जाए हैं तो हमारा काम ही बोलता है, तो इसलिए काम करते रहना ज़रूरी है। और मेरा एक ही फोकस होता है कि अच्छी फिल्म और अच्छे डायरेक्टर से काम करूँ। आलिया से बात होती क्या कह रही थी? आलिया ने बिकॉज फिल्म देख रखी है तो उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा लगा काम, कुछ जगहों पे मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगा, वो बता रही थी और बोल रही थी कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बर्लिन में, और उन्होंने बोला कि तुम फिल्म देख लो फिर अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बस बस सर भैया
Thank you. Good to see you. यार सरिया अरे क्या हुआ अरे रोहित सरिया अरे उसको छोड़ना मेरे को कौन है सरिया आ जा अभी रुको रुको इधर रुको सुनील 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 थोड़ा सा सरिया रुको ना अरे मैं रुको अरे जी अरे होल्ड 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 मैम लेफ्ट में बाबा 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 बाब